नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो अभी तक हमने जो हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे हमने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है, उसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है, कुछ हीट एक्सचेंजर के टाइप्स या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, उसके कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल्स के बारे में पढ़ा है, और अभी हीट एक्सचेंजर में एग्जैक्टली एनर्जी बैलेंस कैसे होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप एक ब्लॉक डायग्राम से कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर होता है, अभी हम जनरल कंसिडरेशन करने वाले हैं। ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे अगर आपने कंसिडर कर दिया ये हॉट फ्लूइड, इन है यहां पे हॉट फ्लूइड आउट, उसी तरह कोल्ड फ्लूइड, इन और कोल्ड फ्लूइड आउट। तो ये अभी काउंटर करंट डायरेक्शन में दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे ये हॉट फ्लूइड इन राइट टू लेफ्ट दिखाई देता है आपको, और कोल्ड फ्लूइड इन लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन के फैशन में है। और ये अभी हमने जनरल हीट एक्सचेंजर कंसिडर किया है, यानी कि ये हीट एक्सचेंजर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, या फिर और कोई भी टाइप का हीट एक्सचेंजर, जैसे स्क्रैप टाइप हीट एक्सचेंजर, ग्राफाइट हीट एक्सचेंजर से एटसेट्रा। अभी हीट एक्सचेंजर में एग्जैक्टली हीट एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि जो हीट एज ए एनर्जी है उसका बैलेंसिंग कैसे होता है, उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी बैलेंस का एक सिंपल फंडा है कि एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। तो ये सबसे बेसिक आपको देखना है, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। तो इस हीट एक्सचेंजर में एनर्जी इन क्या होगी और एनर्जी आउट क्या होगी। तो जैसे आपको मालूम है कि जैसे ये हॉट फ्लूइड इन होता है तो ये हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हायर साइड में रहेगा, तो ये टीएच आई जो टेम्परेचर है ये हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा। तो ये टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हॉट फ्लूइड में जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी कोल्ड फ्लूइड गेन करेगा। तो इस डायरेक्शन में हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होगा, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब है वो कोल्ड फ्लूइड करेगा और हॉट फ्लूइड एनर्जी लूज करेगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हीट फ्लो का नेचर होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। तो अगर कोल्ड फ्लूइड इनलेट जो है, यानी कि अगर हम देखेंगे इसको TCI, तो ये लोएस्ट टेम्परेचर रहेगा और THI जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा। और इसी तरह यहां पर भी ये कोल्ड फ्लूइड आउट का टेम्परेचर TCO और हॉट फ्लूइड आउटलेट का टेम्परेचर THO, तो ये कंसिडर कर सकते हैं। अभी एनर्जी इन यानी हॉट फ्लूइड का जो एनर्जी है वो आने वाला है, तो हॉट फ्लूइड में एनर्जी है, जो हीट है वो इन है, और आउटलेट में क्या होगा तो कोल्ड फ्लूइड आउटलेट और हॉट फ्लूइड आउटलेट, यानी कि जो हॉट फ्लूइड इन है ये हीट एक्सचेंजर में इन फ्लो है और कोल्ड फ्लूइड भी इन फ्लो है। तो कभी कभार ये भी पॉसिबल है कि ये कोल्ड फ्लूइड के साथ भी कुछ एनर्जी हो सकती है, तो ये इन डायरेक्शन वाले जो स्ट्रीम्स हैं ये आपको फोकस करना है।
तो एनर्जी इन यानी ये जो हीट एक्सचेंजर में जाने वाले जो फ्लो है इसको आपको फोकस करना है इन के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी इन क्या होगा, तो हीट रिलेटेड टू द हॉट फ्लूइड इन एंड हीट रिलेटेड टू द कोल्ड फ्लूइड इन, और उसी तरह कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट और हॉट फ्लूइड का आउटलेट जो रहेगा वो रहेगा एनर्जी आउट। तो यहाँ पे ये जो हॉट फ्लूइड आउट आने वाला है, ये जो स्ट्रीम आने वाली है, तो इसके साथ कुछ एनर्जी होगी और ये जो कोल्ड फ्लूइड आउटलेट वाला है इसके साथ भी कुछ एनर्जी होगी। तो ये दोनों जो एनर्जी आउटलेट वाले, तो ये आएंगे एनर्जी आउट में, और जो एनर्जी इन है वो है कोल्ड फ्लूइड का एनर्जी कुछ और मैक्सिमम हॉट फ्लूइड का एनर्जी। तो ये आपको कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के बारे में आपको देखना चाहिए। अभी मेनली अगर हम जनरलाइज या फ्रेश फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली इसमें हॉट फ्लूइड में एनर्जी जो रहती है वही कोल्ड फ्लूइड गेन करता है। तो आइडियली क्या केस होगी कि जो हॉट फ्लूइड एनर्जी लूज करेगा वही कोल्ड फ्लूइड गेन करेगा, ये आइडियल केस होगी, ठीक है। तो हमेशा अगर आप देखेंगे तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है कोल्ड फ्लूइड का वो हम लिखते हैं क्यू सफिक्स सी, और जो हॉट फ्लूइड है तो हॉट फ्लूइड के लिए हम लिखेंगे क्यू एच। तो क्यू सफिक्स एच, एच इंडिकेट करता है हॉट फ्लूइड और क्यू सफिक्स सी इंडिकेट करता है कोल्ड फ्लूइड, क्यू यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अभी यहां पे अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो ये क्यू एच जो है इसके लिए माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन ऐड क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो हॉट फ्लूइड हीट लूज कर रहा है यानी कि ये ड्रॉप डाउन टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर रिड्यूस होगा। जो टी एच आई था वो टी एच आई अभी रिड्यूस होगा, और वो कहां तक रिड्यूस होगा, तो टी एच ओ तक। तो टी एच आई हाइएस्ट टेम्परेचर है, ये हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है और ये हीट लूज कर रहा है, और ये हीट लूज कर रहा है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन हम इंडिकेट करते हैं। तो ये जो क्यू सी इज इक्वल टू माइनस क्यू एच, ये इक्वेशन बन गया है तो एनर्जी इन और एनर्जी आउट के लिए। तो ये स्पेशली अभी हम आइडियल केस कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के बारे में बात करें। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली हीट लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे हमने बात की कि हॉट फ्लूइड जितना हीट लूज करेगा उतना ही कोल्ड फ्लूइड ने हीट गेन करना चाहिए, लेकिन कुछ हीट यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के बाहर जा सकती है, रेडिएशन थ्रू हीट लॉसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ हीट ये जो हीट एक्सचेंजर के जो मेटल वॉल्स है ये गेन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसकी वजह से हीट लूज हो सकती है या लॉस हो सकती है। लेकिन हम आइडियल केस कंसीडर की जितना हॉट फ्लूइड हीट लूज करेगा उतना ही कोल्ड फ्लूइड गेन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे तो ये जो इक्वेशन है QC रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसको हम लिख सकते हैं M डेल्टा H, यानी कोल्ड फ्लूइड का जो मास फ्लो रेट है तो उसके लिए हम M सफिक्स C ये भी यूज कर सकते हैं, और ये जो डेल्टा H है उसके लिए भी सफिक्स यूज करेंगे डेल्टा एच सी, यानी ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये बनेगा मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू एंथैल्पी चेंज ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो कोल्ड फ्लूइड में जो एंथैल्पी चेंज होने वाला है वो इनटू मास फ्लो रेट अगर बनाते हैं तो ये बन जाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। अभी इसमें अगर आप हॉट फ्लूइड के में भी देखेंगे तो ये माइनस साइन कंटिन्यू रहेगा, और आप यहां पे लिख सकते हैं मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ हॉट फ्लूइड। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए, जहां पे आपको एनर्जी बैलेंसेस करना पड़ते हैं और कैलकुलेशंस के लिए आपको मास फ्लो रेट यूज करना है। तो ये इक्वेशन mc इनटू डेल्टा hc इज इक्वल टू माइनस mh इनटू डेल्टा hh। अगर इसको हम चेंज फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा mc इनटू, तो डेल्टा hc क्या होगा, hc2 माइनस hc1। तो ये hc2 hc1 क्या है,
कि यहाँ पे जो आउटलेट और इनलेट का जो एंथैल्पी है, यानी कि ये जो कोल्ड फ्लूइड कैरी कर रहा है, तो ये आउटलेट का जो टेम्परेचर है, अगर आप देखेंगे इसको TCO हमने कहा था, या फिर आप TC2 भी कह सकते हैं, और ये जो I कहा था TC इनलेट के लिए, इसको 1 भी कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप ये 1 लिख सकते हैं और ये 2 लिख सकते हैं। तो ये TC2 रिलेटेड है HC2, यानी जो कोल्ड फ्लूइड आउटलेट है उसके साथ कुछ एनर्जी रहेगी और यही एंथैल्पी है, और ये जो कोल्ड फ्लूइड इन है तो इसके रिलेटेड है HC1, एंथैल्पी रिलेटेड टू द कोल्ड फ्लूइड इनलेट। तो कोल्ड फ्लूइड आउटलेट का जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू कोल्ड फ्लूइड इनलेट, ये हायर साइड में रहेगा, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड से एनर्जी गेन कर रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि हम हीट गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है HC2 ये ग्रेटर रहेगी, इसलिए हमने एंथैल्पी चेंज में HC2 माइनस HC1 लिखा है। सिमिलरली माइनस इन ब्रैकेट MH, और यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा HH2 माइनस HH1। तो आप 1 और 2, यानी इनलेट और आउटलेट कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहां पे HH2 ये कहां से रिलेटेड है, तो ये टेम्परेचर जो है TH2, तो हॉट फ्लूइड का आउटलेट जो है उसके रिलेटेड एंथैल्पी है HH2, और जो हॉट फ्लूइड का इनलेट है उसके रिलेटेड है एंथैल्पी HH1। तो इसको अभी हमने अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये MH2 माइनस MH1 की जगह MH1 माइनस MH2 बन जाएगा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है और ये इक्वेशन बन जाएगा। अभी माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HH1 माइनस HH2, और जो HC2 माइनस HC1, ये लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा। अगर इसमें सेंसिबल हीट होती है, सेंसिबल हीट यानी क्या, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर वहां पे कोई फेज चेंज टेक्स प्लेस नहीं होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे तो अगर ये हीट एक्सचेंजर्स में अगर लिक्विड जो है वो अगर वेपराइज होता है तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग प्रोसेस। ये बॉइलिंग या वेपराइजेशन या इवेपरेशन अगर प्रोसेस इसमें होती है, यानी कि इवेपरेटर भी हीट एक्सचेंजर हो सकता है, तो इसमें फेज चेंज हो रहा है, तो ये लिक्विड जो फेज था वो अभी वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे फेज चेंज टेक्स प्लेस। रिवर्स केस भी है, अगर ये वेपर से तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड्स में लिक्विड या गैसेस या वेपर्स दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर वेपर टू लिक्विड चेंज हो रहा है तो ये प्रोसेस है कंडेंसेशन, तो ये कंडेंसर में हो सकता है, यहां पर भी फेज चेंज। तो जहां पर फेज चेंज होता है तो जो हीट रहेगी उसको हम कहेंगे लैटेंट हीट। द हीट विच इज रिलेटेड टू द फेज चेंज टेक्स प्लेस इन द हीट एक्सचेंजर और एनी इक्विपमेंट, दैट हीट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट जो है उसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। और ये लिक्विड टू वेपराइजेशन हो या वेपर टू लिक्विड हो, ये जो भी चेंजेस है, अगर ये लैटेंट हीट ओरिएंटेड है तो उसका जो क्यू रहता है वो एम लैम्बडा के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एम लैम्बडा जो है वो चेंज कैसे होगा, जैसे अगर यहाँ पे अगर कंडेंसेशन है, ये वेपर टू लिक्विड हो रहा है, तो अगर ये कंडेंसेशन हो है, तो ये मास फ्लो रेट जो है वो कंडेंसर फ्लूइड का रहेगा और ये लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगा। अगर इन केस ये वेपराइजेशन है प्रोसेस, तो यहाँ पे ये जो एम लैम्बडा है तो ये MV फॉर वेपराइजेशन हो सकता है, ये लैम्डा फी फॉर वेपराइजेशन हो सकता है। तो डिपेंड्स है कि
प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है और उसमें फेज चेंज हो रहा है या नहीं। अगर इन केस फेज चेंज नहीं होता है तो सिर्फ हीटिंग या कूलिंग होती है। जैसे कि अगर हमने वाटर का टेम्परेचर लिया और वाटर आपका जो मेन लिक्विड है जिसका टेम्परेचर आपको चेंज करना है 30 to 60 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस रीच नहीं होगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा या स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, बॉइलिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 30 to 60 डिग्री सेल्सियस है जिसको हम कहेंगे हीटिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे ये हीटिंग हो रहा है। या फिर वाइस वर्सा केस भी हो सकती है कि 60 डिग्री सेल्सियस वाटर है उसको मुझे रूम टेम्परेचर पे लाना है या नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, तो ये केस होगी कूलिंग। तो अगर आपके हीट एक्सचेंजर में हीटिंग या कूलिंग फिनोमिना चल रहा है, वहां पे कोई लिक्विड टू वेपर या वेपर टू लिक्विड फिनोमिना नहीं है या फेज चेंज नहीं है, तो उसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट। तो ये जो हीट्स होती है इसको कहते हैं हम सेंसिबल हीट। तो हीट एक्सचेंजर में सेंसिबल हीट है या फिर लैटेंट हीट है उसके बेसिस पे इसके जो इक्वेशन है वो भी चेंज हो गए। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पे लिखते हैं तो अगर सेंसिबल हीट कैलकुलेशन है तो सेंसिबल हीट के लिए आप ये जो QC इज इक्वल टू माइनस QH है उसका फॉर्मूला चेंज होगा और आप लिख सकते हैं MCP डेल्टा T ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल टू MCP डेल्टा T ऑफ हॉट फ्लूइड। ठीक है, तो ये MCP डेल्टा T कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड, तो MCP डेल्टा T कैलकुलेशंस क्या इंडिकेट करते हैं? सेंसिबल हीट। तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हीटिंग के लिए हो या कूलिंग के लिए, तो वहां पे स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी जो फ्लूइड का रहेगा वो वहां पे आएगी और मास फ्लो रेट रहेगा। तो आप इसको दूसरी इक्वेशन में ऐसा भी लिख सकते हैं MCP CPC, MC यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, CPC यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा TC2 माइनस TC1 या TCO माइनस TCI, वन और टू इंडिकेट करते हैं इनलेट एंड आउटलेट। उसी तरह यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, और यहाँ पे जैसे हमने अभी ये इक्वेशन फाइनल किया था माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये HH1 माइनस HH2 बन गया था। यहाँ पे अभी ये टेम्परेचर फॉर्म में TH1 माइनस TH2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेंसिबल हीट कैलकुलेशन है तो आप सेंसिबल हीट के लिए MCP डेल्टा T जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी जो बताया था कि अगर लैटेंट हीट बेसिस पे कैलकुलेशन है, फेज चेंज होता है, तो वहां पे आप Q इज इक्वल टू एम लैम्बडा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एनर्जी बैलेंस के लिए अलग अलग इक्वेशंस। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, अगर आपके एग्जांपल में हीट एक्सचेंजर में जो हॉट फ्लूइड है, तो हॉट फ्लूइड अगर यहां पे होता है स्टीम, क्योंकि इंडस्ट्रीज में नॉर्मली हम देखते हैं तो वहां पे स्टीम यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर आपका हॉट फ्लूइड स्टीम होता है तो क्या होने वाला है कि स्टीम की जो हीट है वो हीट वहां पे एब्सॉर्ब होगी, और स्टीम का जो हीट है, जैसे अभी यहाँ पे हम एग्जांपल में लिखते हैं कि हॉट एग्जांपल, हॉट फ्लूइड जो है वो स्टीम है, तो जैसे ही ये स्टीम यूटिलाइज होगा तो स्टीम का लैटेंट हीट हम यूज करने वाले हैं, तो स्टीम का लैटेंट हीट जो है वो एम लैम्डा कैलकुलेशन आएंगे, क्योंकि स्टीम का जैसे ही लैटेंट हीट यूटिलाइज होगा तो ये कंडेंसेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये जो स्टीम है, जो
जो वेपर या गैसेस फॉर्म में है अभी वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये वेपर टू लिक्विड फेस चेंज टेक्स प्लेस। तो ये वेपर टू लिक्विड फेस चेंज हो रहा है, तो फेस चेंज अगर होगा तो डायटेंटिट होगी और उसके कैलकुलेशन होके क्यू इज इक्वल टू एम लैम्डा। भी वाइस वर्सा जो केस है, अगर ये कोल्ड फ्लूइड इन जो है लिक्विड और कोल्ड फ्लूइड आउटलेट अगर लिक्विड है, हम सिर्फ हीटिंग कर रहे हैं कोल्ड फ्लूइड का, तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है तो वो हीट गेन करेगा। तो हीट गेन कौन सी करेगा, तो ये जो स्टीम है ये जो हीट लूज करेगा वही जो हीट है वो गेन करेगा, लेकिन उसका फेज चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो लिक्विड था ये कोल्ड फॉर्म में था, अभी ये हॉट में, तो ये कोल्ड लिक्विड इनलेट है और ये एक्चुअली कोल्ड फ्लूइड आउटलेट है, लेकिन ये हाइयर टेम्परेचर पे, तो इसीलिए इसके कैलकुलेशन जो होगे वो सेंसिबल हीट के बेसिस पे होगे। यानी कि यहाँ पे एम सी पी डेल्टा टी कैलकुलेशन होगे, एम सी सी पी सी, और जो डेल्टा टी है वो रहेंगे टी सी टू माइनस टी सी वन। तो हॉट फ्लूइड का जो हीट है वो यूटिलाइज करेगा कोल्ड फ्लूइड, और हॉट फ्लूइड में जो चेंजेस होते हैं वो है स्टीम टू कंडेंसेट यानी कि वेपर टू लिक्विड, इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेशंस में आ गए एम लैम्डा। और जो लिक्विड है कोल्ड फ्लूइड उसमें सिर्फ हीटिंग हो रहा है, यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन होंगे एम सी पी डेल्टा टी बेसिस पे, एम सी सी पी सी टी सी टू माइनस टी सी वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम लैम्डा जो है वो है हॉट फ्लूइड के रिलेटेड पैरामीटर्स और ये है कोल्ड फ्लूइड के रिलेटेड पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये एम एच लैम्डा एच और ये एम सी सी पी सी टी सी टू माइनस टी सी वन। तो यहाँ पे टी सी वन क्या है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, टी सी टू क्या है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, सी पी सी क्या है हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, एम सी यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, लैम्डा यानी कि लैटेंट हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, और एम या एम एच भी लिख सकते हैं आप या लैम्डा एच भी लिख सकते हैं। तो ये हॉट फ्लूइड का मास फ्लो रेट, तो एम यानी कि मास फ्लो रेट जो है वो नॉर्मली हम के जी पर आवर में कैलकुलेट करने वाले हैं, और जो स्पेसिफिक हीट है सी पी जो है वो जूल्स पर के जी के या किलो जूल्स पर के जी के, इस फॉर्मेट में आपको स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी जो यूज कर सकते हैं। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो वैट्स में होगी या फिर जूल्स पर सेकंड में होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है एम एच लैम्डा एच इज इक्वल टू एम सी पी सी पी सी डेल्टा टी।